आपने उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखा, क्या चेंजिंग देखी? मैंने ये परिवर्तन देखा कि जैसे पहले छोटी मोटी बातों के लिए थोड़ा सा घर में जैसे कुछ इश्यूज हो जाते थे, अब वो नहीं होते हैं जैसे कुछ टाइम से। या मतलब मेन तो यही है कि वो फिर घर में मतलब थोड़ा माहौल खराब रहता था, वो चीज़ थोड़ी नहीं होती। मतलब अच्छा एनवायरनमेंट देखते हैं, मतलब बड़े लोग ये समझ जाते हैं तो कहते हैं ना घर अपने आप समझ जाता है, वो चीज़ हो जाती है। तो मतलब ये घर का भी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है इससे, मतलब इंसान को यही चाहिए सुख शांति। आप जो लोग भक्तामर नहीं लिख पा रहे, नहीं बोल पा रहे, नहीं पढ़ पाते, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? मैं ये कहता हूँ कि मतलब भक्तामर जी भी या धर्म की तरफ सबको जाना चाहिए। मतलब धर्म एक मतलब ज़रूरी चीज़ है और इसी से आप मतलब जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, धर्म कुछ अलग नहीं है, ये जीवन का ही रूप है। मतलब इसमें आप जो जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसी में ये चीज़ सम्मिलित होनी चाहिए आपका धर्म। ये नहीं है कि धर्म को आप मंदिर तक ही सीमित रखें, हर कार्य में ये धर्म की भावना आएगी तो आपकी लाइफ में अपने आप परिवर्तन आएंगे। और वैसे आप जो स्पिरिचुअलिटी तरफ जाएंगे तो मेटेरियलिस्टिक गेन्स भी आपको बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने आपकी माताजी ने भक्तामर की पुस्तक 25 दिन में लिखी और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी पथरी की समस्या को जो काफ़ी टाइम से थी उसको सिर्फ मंत्रों के माध्यम से, सिर्फ लिखने के माध्यम से उसको दूर किया। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आशा करते हैं कि इनके जीवन आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो और आपके जीवन से और आपकी माता पिता परिवार में जो भी लोग हैं सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, आनंद मंगल हो। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि हो। आप ही एक महान कार्य कर रहे हैं जो इस तरह की पुस्तकें ये हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू, इसके लिए भी आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।